हेलो गाइस, वेलकम इन माय न्यू अनदर ब्लॉग। आप सभी का इस ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, इस ब्लॉग में अभी मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ जयनगर रेलवे स्टेशन से दरभंगा रेलवे स्टेशन तक का सफर, और दरभंगा रेलवे स्टेशन और दरभंगा रेलवे स्टेशन से आगे बेता चौक लहरियासराय का ट्रैफिक रास्ता। तो चलिए, इस ब्लॉग में आप बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज सपोर्ट मी गाइस, थैंक यू। एंड ब्लॉग पर बने रहिए, देखिए आगे। तो गाइस, ये देखिए, मैं ट्रेन के अंदर आ गया हूँ जयनगर रेलवे स्टेशन पर, और ट्रेन चलने लगी है। स्लो मोशन में अभी है, धीरे धीरे चल रही है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से दरभंगा रास्ते में, ट्रेन के रास्ते से, ट्रेन से। तो गाइस, ये देखिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन, दरभंगा जंक्शन। अभी हम ट्रेन से उतर गए हैं, और ये ट्रेन स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर बाहर का नज़ारा है प्लेटफार्म पर। और अभी हम यहाँ से आगे चलेंगे, ओवर ब्रिज से बाहर चल रहे हैं। पहले ऊपर जाना होगा, और ये देखिए ऊपर से नज़ारा, दरभंगा रेलवे स्टेशन का ऊपर का नज़ारा कितना अच्छा है। और अभी हम दिखा रहे हैं इसके बाद दरभंगा जंक्शन का प्लेटफार्म एक। ये देखिए दरभंगा जंक्शन लिखा हुआ है, और ये देखिए दरभंगा जंक्शन का प्लेटफार्म एक कितना नीट एंड क्लीन है, कितना साफ सफाई है, टाइल्स लगा हुआ है, कितना साफ सफाई है। और अब हम चल रहे हैं दरभंगा जंक्शन पर बाहर, यहाँ से प्लेटफार्म वन से, प्लेटफार्म नंबर एक से बाहर। ये देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर। तो चलिए अब बाहर चलते हैं। ये बाहर है रोड। दरभंगा जंक्शन पर गाइस, ये देखिए कितना ट्रैफिक है रास्ते में। दरभंगा रेलवे स्टेशन से आगे बेता चौक जाने टाइम में, दोनार के पास, दोनार से आगे बेता चौक तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। ब्लॉग को ध्यान से देखने के लिए आप सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच।